पाठोड़ा पुलिस ने एल्यूमिनियम तार के बंडल सहित करीब 75 किलो का माल चुराने वाले आरोपी 32 वर्षीय नितिन दिलीप देवरिया न्यू कीर्तिनगर नरसाला रोड निवासी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल वाठोड़ा पुलिस ने इस मामले में और भी खुलासे कर आगे की जांच शुरू कर दी है। वाठोड़ा पुलिस ने एल्यूमिनियम तार के बंडल सहित करीब 75 किलो का माल चुराने वाले आरोपी 32 वर्षीय नितिन दिलीप रेवड़िया विश्वकर्मा न्यू कीर्तिनगर नरसाला रोड निवासी को गिरफ्तार किया। आरोपियों से एल्यूमिनियम तार के 3 किलोग्राम के टुकड़े, पल्सर मोटरसाइकिल MH31DF7092, इलेक्ट्रिक तार सहित करीब 54,000 रुपए का माल जब्त किया है। पुलिस के अनुसार संजय माढ़ोरिया आदर्श नगर दिघोरी निवासी ने वाठोड़ा थाने में 75 किलोग्राम एल्यूमिनियम तार चोरी की शिकायत की थी, जिसके बाद थानेदार आशालता खापरे के मार्गदर्शन में मामला भी दर्ज किया गया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी से चोरी के एल्यूमिनियम के तार का बंडल जब्त किया है। नमस्कार, मी प्रोबेशनरी PSI गजानन राऊत। वाठोड़ा पोलीस स्टेशन येथे अपघात अपराध क्रमांक 195/22 कलम 379 भादवीप्रमाणे दाखल होता। सदर गुन्ह्यामध्ये आरोपीने फिर्यादी संजय मोढोरिया यांच्या फ्लॉटवरून काही वायरचे बंडल चोरून नेले होते। तर सदरचा गुन्हा तपास पथकाचे अंमलदार अतुल अश्विन बडगे हे करत होते। तपासादरम्यान माननीय DCP झोन 4 यांच्या मार्गदर्शनाखाली वाठोडा पोलीस स्टेशनच्या तपास पथकाने आपले धागे दोरे फिरवून व विश्वसनीय खात्रीलायक सूत्राच्या माहिती सूत्रांकडून सदर गुन्ह्याबाबत माहिती मिळून नितिन रेवडिया नावाच्या एका आरोपीला सदर गुन्ह्यामध्ये अटक केलेली आहे आणि या गुन्ह्याबाबत सदर आरोपीकडे सखोल विचारपूस केली असता त्याने गुन्ह्याची कबुली देऊन या आरोपीकडून गुन्ह्यातील मुद्देमाल जप्त केलेला आहे। त्याचबरोबर त्याच्याकडून एक पल्सर गाडीसुद्धा जप्त केलेली आहे। असा एकूण 53,800 रुपयाचा मुद्देमाल सदर आरोपीकडून जप्त करण्यात आलेला आहे। त्याचबरोबर सदर आरोपीने अपराध क्रमांक 252/2022 या गुन्ह्याची सुद्धा कबुली दिलेली आहे आणि या गुन्ह्यातील मुद्देमाल सुद्धा सदर आरोपीकडून जप्त करण्यात आलेला आहे। गौरतलब रहे कि वाठोड़ा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।